हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अकाउंट्स क्लास। तो हम पहले दो चैप्टर कर चुके हैं अकाउंट्स के, जो कि थ्योरेटिकल थे। अब जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल चैप्टर। तो इसके लिए आपको सारी, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो उसकी पीडीएफ मैं भेज दूंगी। आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशंस करनी है और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग इक्वेशन। मैथ्स में आप लोगों ने बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व की होगी। अब हम जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो अकाउंट्स के इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज देखते हैं जो अकाउंट्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का क्या परफॉर्मा होता है वो देखते हैं हम। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, यहां पर होती है लाइबिलिटीज एंड यहां होता है अमाउंट, यहां एसेट्स और यहां पर अमाउंट। हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सीखा लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जो हमने इन फ्यूचर पे करनी है। हमने दो तरह की पढ़ी, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं, करंट लाइबिलिटीज भी होती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, जो हमने एक साल के बाद पे करनी है, और करंट लाइबिलिटीज हमको एक साल के अंदर ही पे करनी होती है। और एसेट्स भी हम पढ़ चुके हैं, जो हमको इन नियर फ्यूचर हमको बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम इनकम अर्न करते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टी वगैरह है वो हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं लायबिलिटीज के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं, नंबर वन है कैपिटल और नंबर टू है लायबिलिटीज। कैपिटल भी हमने पढ़ी थी, कैपिटल क्या होती है, जो ओनर अपना पैसा बिजनेस के अंदर लगाता है वो क्या होती है, कैपिटल होती है। जैसे ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1,00,000 रुपया बिजनेस में डाला, तो वो उसकी क्या है, कैपिटल है। और लायबिलिटीज कौन सी होती हैं, वो हम कर चुके हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। एसेट्स भी हम पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, उसके अलावा नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स वही होंगी। नॉन करंट एसेट्स कौन सी होंगी, जो हमको एक साल से ज्यादा के लिए बेनिफिशियल प्रोवाइड करती हैं, और करंट एसेट्स जो हमको एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो इधर एसेट्स आ जाएंगी। हमेशा क्या होगा, जो भी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है और जो एसेट्स है, इनका जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। हमेशा लायबिलिटीज एंड कैपिटल एंड एसेट्स का टोटल इक्वल आएगा। क्यों आएगा, कैपिटल एंड लायबिलिटीज वो सोर्सेज हैं जहां से पैसा बिजनेस के अंदर आता है। सोर्सेज के थ्रू पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है और फिर हम उसको क्या कर देते हैं, एसेट्स जो भी हमारी है उसके अंदर हम उसको क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, एप्लीकेशन हो जाता है। मतलब पैसा यहां से तो आ रहा है हमारे बिजनेस में, और हम उसको कहां इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, जो भी हमारी एसेट्स हैं, जैसे हमारे पास कैश पड़ा है, जैसे हमारे पास स्टॉक है। स्टॉक क्या होता है, जिस भी चीज का हमारा बिजनेस चल रहा है, जैसे हमारा शूज का बिजनेस है, तो जितना भी हमारा शूज, जितने भी शूज पड़े हैं हमारी शॉप के अंदर, वो हमारा स्टॉक है। तो कैश है, स्टॉक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये सब आपकी क्या हो जाती है, एसेट्स हो जाती है। तो आपके पास पैसा आएगा कहां से, कैपिटल से, या तो ओनर खुद का पैसा लगा रहा है या फिर हमने किसी से उधार ले रखा है। वो तो हमारा पैसा आएगा और हम उसको इन्वेस्ट कहां कर देंगे, या तो कैश में पड़ा होगा हमारे पास, या फिर उसको स्टॉक में, मतलब गुड्स वगैरह परचेज करने के लिए लगा देंगे, कोई बिल्डिंग खरीद लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेंगे। तो हमारा लायबिलिटीज एंड कैपिटल से पैसा आता है और हम उसको कहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं, एसेट्स के अंदर। तो अब इस सब को देखकर हमारे, हमको एक चीज समझ में आ रही है, अगर हम इक्वेशन बनाएं तो इक्वेशन क्या बनेगी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अभी हमने पढ़ा, जो भी आपकी एसेट्स हैं हमेशा क्या होती हैं, लायबिलिटीज एंड कैपिटल के इक्वल होती हैं। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गई, एसेट्स आपकी किसके इक्वल है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल के इक्वल है। हम इसको चाहें तो अपना चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर लायबिलिटीज निकालना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे हम इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं, एसेट्स वहां जाकर माइनस हो जाएंगी, लायबिलिटीज निकाल रहे हैं तो कैपिटल यहां अगर माइनस हो जाएगी, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
एसेट्स माइनस कैपिटल। इसी तरह से अगर आप कैपिटल निकालना चाहते हो तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। इससे हमारे ये तीन फॉर्मूलाज बनती हैं। ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमेशा क्या रहती है, एक दूसरे के इक्वल रहती है, जिसको अब हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में प्रूव करेंगे कि ये कैसे रहती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। इलस्ट्रेशन है आपकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 एज कैपिटल। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया 75,000 से। पहले हम देख लेते हैं हमारी इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमने क्या किया, हम यहां पर स्टार्ट करते जाएंगे अपनी एसेट्स, कैश प्लस जो जो भी आता जाएगा, और इस साइड हम रखेंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारा परफॉर्मा हो गया। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्या थी हमारी इक्वेशन, स्टार्टेड गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 एज कैपिटल। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो 75,000 तो वो कैपिटल लेकर आया बिजनेस में। अब कैपिटल लेकर आया तो ऑब्वियसली कैश में ही लेकर आया होगा, कोई पैसा लेकर आया तभी हम उसको कैपिटल कहते हैं, जो भी कैश इन्वेस्ट करता है। तो हमारे पास क्या आ गया, 75,000 हमारे पास कैश आ गया। बाकी क्या रहे, बाकी ना हमारी अभी कोई लायबिलिटी है ना हमारे पास कुछ एसेट है, तो हमारे 75,000 हमारे पास कैश आ गया और 75,000 ही हमारी कैपिटल है। अभी तक फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद ये इक्वल है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, गोपाल परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब हर एक ट्रांजेक्शन का एक इफेक्ट नहीं होता, हमेशा एक या एक से ज्यादा ही इफेक्ट रहते हैं। जैसे अब क्या किया गोपाल ने, फर्नीचर परचेज किया है कैश के लिए। कितने का फर्नीचर लिया है, 5,000 का। तो फर्नीचर हमारी एसेट्स होंगी, हम यहाँ ऐड कर देंगे फर्नीचर। अब क्या किया, 5,000 का फर्नीचर लेकर आया कैश के लिए, मतलब फर्नीचर फ्री में तो नहीं आया होगा, हम उसको कैश देकर आए हैं। तो हमारा कैश क्या हो गया, 5,000 माइनस हो गया। ये हमारी सेकेंड है इक्वेशन, हमारे पास 75,000 कैश था, अब हमने 5,000 का फर्नीचर ले लिया तो 5,000 हमारा कैश चला गया। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रह गई, हमारे पास 70,000 तो कैश है, 5,000 फर्नीचर है, और हमारी कैपिटल अभी भी कितनी है, 75,000 है। इधर अभी भी उसी में कोई इफेक्ट नहीं आया, 5,000 कैश गया और हमारे पास फर्नीचर आ गया। नेक्स्ट है गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गोपाल ने क्या किया, गुड्स परचेज किए हैं, मतलब अब गोपाल ने क्या कर दिया, स्टॉक ले लिया। गोपाल ने गुड्स परचेज किए हैं कैश के लिए, कितने के, 20,000 के। तो अब हम क्या कहेंगे, हमने 20,000 के गुड्स ले लिए कैश के लिए, तो ऑब्वियसली बात है 20,000 का कैश हमारे पास से चला गया और 20,000 का स्टॉक आ गया, तो ये तो अभी जीरो ही है, इस पर तो हमने कुछ करा ही नहीं है। तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या हुई, हमने स्टॉक परचेज कर लिया 20,000 का और कैश के लिए किया है, तो हमारा कैश चला गया 20,000 का। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कैश कितना रह गया, 50,000 का, 5,000 का हमारे पास फर्नीचर है, 20,000 हमारे पास स्टॉक के हैं, तो 50 + 5 = 55 + 20 = 75, और यहाँ पर भी अभी भी हमारा क्या चल रहा है, 75,000 ही चल रही है कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गोपाल परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अभी कैश के लिए किए थे, फोर्थ इक्वेशन में वो क्या कह रहे हैं, गोपाल ने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट के ऊपर। हमने गुड्स परचेज किए लेकिन अगर अभी क्रेडिट पर है, अभी उधार पर है, पर इन फ्यूचर तो हमें उसे पे करना पड़ेगा, तो जो हमें फ्यूचर में पे करनी होती है वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर आपकी एक नई आइटम आ गई, क्रेडिटर्स। आपने कितने के गुड्स परचेज किए हैं, 16,000 के, तो आपकी क्या एंट्री होगी, 16,000 के, क्योंकि क्रेडिट पर परचेज किए हैं तो 16,000 के क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, और आपने गुड्स परचेज किए हैं
तो 16,000 का आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा टोटल सेम है या नहीं है। अभी भी हमारे पास क्या बड़े है, 50,000 का कैश है, 5,000 का फर्नीचर है। अब हमारा स्टॉक कितने का हो गया, 36,000 का, और यहाँ पर 16,000 प्लस 75,000, इधर का टोटल 91,000 है, और इधर हम देखें 50,000 और 36, 86,000 एंड 5,000, 91,000। अभी तक हमारी इक्वेशन सेम चल रही है। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। अब 12,000 के जो हमने गुड्स परचेज किए थे हमने क्रेडिट पर सेल कर दिए, कितने के, 15,000 के। अब देखें सबसे पहले तीन, अब इस इक्वेशन का हम देखते हैं तीन जगह पर इफेक्ट पड़ेगा। हमारे गुड्स कितने के हैं, 12,000 के, तो हमारा स्टॉक कितने का जाएगा, ऑब्वियसली 12,000 का जाएगा क्योंकि हमारा स्टॉक था ही 12,000 का। लेकिन हमने उसको सेल कितने का किया, 15,000 का। अब जिनको हम सेल करते हैं क्रेडिट के ऊपर तो इन फ्यूचर तो वो हमें पेमेंट करेंगे, वो हमारे होते हैं डेटर्स। डेटर्स जिनको हम सेल करते हैं क्रेडिट के ऊपर जो हमको इन फ्यूचर पेमेंट कर देंगे तो वो हमारी एसेट्स हो गई। हमने कितने का परचेज, हमने कितने के गुड्स दिए हैं उसको, 15,000 के सेल किए हैं, हमारे डेटर्स हो गए 15,000। अब देखो 12,000 माइनस हुआ, 15,000 प्लस हुआ, डिफरेंस रह गया 12,000 के गुड्स हमने 15,000 के सेल किए, हमारा प्रॉफिट कितने का है, 3,000 का। तो जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं उसको प्लस या माइनस किया जाता है, जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे या फिर प्रॉफिट होंगे उसको प्लस माइनस किया जाता है कैपिटल गेन से। जैसे अगर हमारा 3,000 का प्रॉफिट हो गया, 3,000 के प्रॉफिट पर सेल किए तो हमारे प्लस यहाँ कितने हो जाएंगे, 3,000 रुपीज। और अगर हमने ये 15,000 के गुड्स 12,000 में सेल किए होते तो लॉस पर करते तो हमारी कैपिटल माइनस हो जाती 3,000 रुपीज की। तो ये देखना है जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे या फिर इनकम्स होंगी वो किसमें से लेस होंगी, कैपिटल के अंदर से। तो इसके बाद हम देखें हमारी इक्वेशन इक्वल है या नहीं है। हमारे पास कैश अभी भी 50,000 का है, 5,000 का फर्नीचर है, अब हमारा स्टॉक कितने का रह गया, 24,000 का, 12,000 का सेल कर दिया, प्लस 15,000 का आपके डेटर्स हो गए हैं जो फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर 16,000 है और 78,000 आपकी कैपिटल हो गई है। तो आपकी ये इधर के का टोटल कितना आ गया, 94,000। यहाँ हम देखते हैं 50 और 24 74, और 74 और 15 89 and 5 94,000। अभी तक भी हमारी इक्वेशन सही चल रही है। आगे क्या कहते हैं, पेड 1,000 फॉर रेंट। अभी मैंने कहा था कोई भी एक्सपेंसेस होंगे या कोई भी इनकम आएगी हम कहां से लेस करते हैं, कैपिटल में से लेस करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है सिक्स, वो क्या कहती है, हमने रेंट पे किया है 1,000 रुपीज का, तो सबसे पहले तो 1,000 का कैश चला जाएगा, 1,000 का तो कैश गया, रेंट तो कैश में ही पे करेंगे, और इधर से हमारे ये एक्सपेंस है तो हमारा 1,000 क्या हो जाएगा, कैपिटल में से लेस हो जाएगा, और ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगी। 49,000 का आपके पास कैश है इस टाइम पर, 5,000 का फर्नीचर है, 24,000 का आपके पास स्टॉक है, 15,000 के डेटर्स हैं, 16,000 के क्रेडिटर्स हैं और 77,000 की आपके पास कैपिटल है। तो अब ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हम देख सकते हैं 49,000 और 5, 54 54 और 24 78 78 और 15 93,000, यहाँ का हमारा टोटल कितना है, 93,000, और यहाँ हम देखते हैं 77 और 10 87 और 6 93,000। तो अगर आपकी इक्वेशन सही है, आपकी मैच कर रही है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। अगर कोई भी डिफरेंस आएगा यहाँ 93,000 और यहाँ अगर 90,000 होता है तो कहीं ना कहीं आपने इसके अंदर मिस्टेक कर दी है। अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स हमेशा इक्वल होंगी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। अभी हम आगे देखते हैं और क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, किस तरह से करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर टू है, हम अपनी इक्वेशन बना लेते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल,
अब जैसे जैसे आइटम्स आती जाएंगी हम उसके अंदर फिल करते जाएंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुकेश ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो क्या आ गया, कैश आ गया। कितने से स्टार्ट किया है, 80,000 से, 80,000 आपके पास कैश आ गया। और दूसरा, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, कैपिटल होती है, तो वो आपकी कितनी आ गई, 80,000 की आ गई। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, कितने के हैं, 28,000 के आपने गुड्स परचेज किए हैं, मतलब आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। आपने क्या किया, 28,000 के स्टॉक परचेज किया, पर कैश के लिए किया है, तो आपका जो, पहले हम ये इक्वेशन देख लेते हैं, 80,000 हमारे पास ये है एंड 80,000 ये है। अब सेकंड इक्वेशन करते हैं, आपने स्टॉक परचेज किया 28,000 का और कैश के लिए किया है, तो 28,000 का आपका कैश चला जाएगा। स्टॉक आ गया 28,000 का एंड कैश चला गया, तो आपका कैश कितने का बचा, 52,000 का, और आपका स्टॉक कितने का है, 28,000 का। यहां पर अभी भी आपके कितने हैं, 80,000 ही कैपिटल है, यहां पर कुछ नहीं आएगा, और यहां पर 52 प्लस 28 आपके कितने हो जाएंगे, 80,000 हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने क्या किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पर 20,000 के। तो थर्ड ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेज किए हैं 20,000 के, तो सबसे पहले तो स्टॉक बढ़ जाएगा। अब हमने किए हैं क्रेडिट पर परचेज, मतलब अभी हम उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे। तो जिनकी फ्यूचर में पेमेंट की जाती है वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, तो कितने की है, 20,000 की आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए। कैपिटल का अभी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 52,000 का आपके पास कैश पड़ा है और 48,000 का आपके पास स्टॉक हो गया। क्रेडिटर्स आपके हैं 20,000 प्लस 80,000 की आपकी कैपिटल है, तो ये 1,00,000 है। और इधर भी आपकी इक्वेशन सही चल रही है, 1,00,000 चल रही है। नेक्स्ट है परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर परचेज कर रही है कैश के लिए, कितने का, 6,000 का। तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर ऐड कर देंगे, 6,000 का फर्नीचर परचेज किया, ऐड हो गया एसेट्स के अंदर, और कैश के लिए किया है तो कैश चला जाएगा, माइनस कर देंगे 6,000 रुपीज, तो आपका कितना रह गया, ये 46,000 का कैश रह गया, 48,000 का आपके पास स्टॉक है, 6,000 का आपके पास फर्नीचर है। क्रेडिटर्स अभी भी सेम चल रही है, 20,000 एंड 80,000 आपका टोटल, हम देखें 52, 48, 1,00,000 ही बनेगा, उधर भी 1,00,000 ही चल रहा है। फिफ्थ है पेड रेंट एक्सपेंस है, पेड रेंट है 2,000 रुपीज। जब भी एक्सपेंस करते हैं तो सबसे पहले तो कैश में से जाएगा, और दूसरा हमारा किस में से जाता है, कैपिटल के अंदर से। तो बाकी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 44,000 का आपका कैश बच जाएगा, 48,000 का स्टॉक चलेगा, 6,000 के आपके फर्नीचर है, 20,000 आपके क्रेडिटर्स हैं, और 78,000 आपके कैपिटल के रहेगा। रेंट पे कर दिया, कैश में से माइनस हो गया एंड कैपिटल में से माइनस हो गया। फिर है रिसीव्ड कमीशन, कितने की रिसीव हुई है, 500 की कमीशन रिसीव हुई है, हमारी इनकम है, तो वो क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। सिक्स्थ है कमीशन रिसीव करेंगे, और इधर से आपकी ये इनकम है, तो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 500 की कमीशन ऐड हो जाएगी। आपका कैश कितना हो गया, 44,500, 48,000 का स्टॉक, 6,000 का फर्नीचर, 20,000 के क्रेडिटर्स हैं, और 78,500 की आपकी कैपिटल हो गई। इनकम आएगी तो ऐड कर देंगे, कोई भी एक्सपेंस होगा तो माइनस कर देंगे कैश एंड कैपिटल में से। नेक्स्ट है विड्रो कैश फॉर प्राइवेट यूज, 3,000 रुपीज आप हमने किया है। जब हम कैश विड्रॉ करते हैं प्राइवेट यूज के लिए, वो होती है हमारी ड्रॉइंग्स, तो वो भी क्या है, कितने की किया है हमने, 3,000 की, तो आपकी किसमें से चली जाएगी, आपके एक्सपेंस है, 3,000 कैश में से जाएंगे एंड 3,000 कैपिटल में से जाएंगे। आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 41,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000 एंड 75,000
500, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट प्राइस 30,000, सेल किए हैं 40,000 के, 30,000 के गुड्स हैं, 40,000 के आपने क्या कर दिए, सेल कर दिए, ठीक है। तो 30,000 के गुड्स हैं, सबसे पहले तो क्या होगा, स्टॉक में से माइनस कितने हो जाएंगे, 30,000, ठीक है। तो गुड सेल किए और आए कितने हैं आपके पास, 40,000, आपने 40,000 के सेल किए हैं, क्रेडिट पर सेल किए हैं। जब भी हम क्रेडिट पर सेल करते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, डेटर्स। तो हमारे यहाँ पर क्या हुए, 40,000 के डेटर्स बन गए। जब भी वो इन नियर फ्यूचर हमको पेमेंट करेंगे तो कितने की करेंगे, 40,000 की। 30,000 का स्टॉक गया, 40,000 के डेटर्स गए, अब 10,000 का जो हो रहा है वो आपको प्रॉफिट है, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल के अंदर एड हो जाएगा, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन रेडी हो जाएगी। 41,500 यहाँ पर आपके कितने का रह जाएगा, 18,500 का स्टॉक रहेगा, 6,000 का आपके पास फर्नीचर है, 40,000 ही आपके डेटर्स हो गए हैं, 20,000 क्रेडिटर्स एंड 85,500 की आपकी कैपिटल हो जाएगी। लास्ट है पेड टू क्रेडिटर्स 15,000, हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, तो 15,000 तो आपके क्रेडिटर्स में से लेस होंगे, उनकी पेमेंट कर रहे हैं, और दूसरा आपका कैश में से चला जाएगा 15,000 रुपीज। इसके बाद आपकी इक्वेशन प्रिपेयर हो जाएगी, दोनों तरफ से इक्वल आएगा आपका। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, दो क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी के हम आगे करेंगे। थैंक यू।